स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी ने एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ये बताया गया है कि कौन सी भर्ती किस चरण में है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कौन सी भर्ती का अगला चरण कब होगा, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। यानी कि एक शब्द में कहें तो यूपी ट्रिपल एससी ने एक स्टेटस रिपोर्ट जारी किया है उन सभी भर्तियों के लिए जो कि अभी पेंडिंग में है। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इसके लिए डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करते ही सीधे आप इस पेज पे होंगे। ये है sarkarieexam.me। यहां पे आपको जाना होगा नीचे। यहां पे अगर आप सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको अलग से सेक्शन मिलता है यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज का। यहां पे पहले नंबर पे है यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी स्टेटस न्यू अपडेट। यहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही सीधे आप इस पेज पे होंगे ये पेज। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया है, इस कौन सी वैकेंसी के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद जब आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप नीचे जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले नंबर पे लिंक दिया गया है। यहाँ पे दिए गए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये नोटिस आ जाती है। अगर आप इसे अपने मोबाइल पे भी ओपन करेंगे तो ये आपको ओपन मिलेगा, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। ये नोटिस जारी की गई है 4 नवंबर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक भर्ती के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है, यहाँ पे प्रस्तावित स्थिति के बारे में। कुछ वैकेंसियों को देख लेते हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की भर्ती है, इसमें क्या है कि इसका पाठ्यक्रम योजना आ चुका है और उम्मीद है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे जो सबसे अभी एग्ज़ाम होने वाला था, अगर आप देखें जूनियर असिस्टेंट का, जो कि 2019 की भर्ती थी, तो उसके लिए भी बताया गया है कि इसके लिए अभी 27-8 को पाठ्यक्रम आ गया है। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले वीक में इसका जो एग्ज़ाम है होगा। अगर आपको याद हो तो ये एग्ज़ाम 3 नवंबर को होने वाला था, जो पिछला इनका स्टेटस रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था, लेकिन अब ये आप दिसंबर में बता रहे हैं, तो उम्मीद है कि दिसंबर में हो जाएगा। इस तरह जो जेई का है, जूनियर इंजीनियर का, तो वो भी अब दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में जा सकता है। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये रिपोर्ट ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में दिया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।